सहायक अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी और पहली सुनवाई में कोर्ट ने 4 सप्ताह में सरकार और आयोग से जवाब की मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये पूरा मामला है और पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इससे पहले भी सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मामले को लेकर, आगे क्या कुछ होना है? देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 है जिस मामले पर जो है सुनवाई हुई है, और बता दें कि इसमें 101 अभ्यर्थी हैं जो रिट याचिका दायर किए थे, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने दूसरी सुनवाई की और इसमें साफ तौर से बिहार सरकार और बीपीएससी को जवाब तलब किया और कहा है कि 14 दिनों के भीतर जो है पूरे मामले पर जो है ठोस जवाब दें। यानी इससे पहले 8 फरवरी 2024 को सुनवाई हुई थी जिसमें राज्य सरकार और बीपीएससी को 4 सप्ताह की मोहलत दी गई थी और आज फिर से सुनवाई हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार अब कब तक जवाब देती है, क्योंकि पूरे मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि बीपीएससी फेज वन की बहाली में जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है उसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर रिट याचिका दायर की गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार से जवाब की मांग की गई है और अगले 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। और इसी बीच